गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट आईपेक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस कंसिस्ट्स ऑफ फाइव पार्ट्स। फर्स्ट प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, नेक्स्ट प्राइमरी प्रीफिक्स, नेक्स्ट वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, एंड सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स कम्स बिफोर वर्ड रूट, एंड सफिक्स कम्स आफ्टर वर्ड रूट। नोट कर, डाउन करता होगा बच्चा, और छोटा घर है बड़ा। तो मेन यहाँ पे वर्ड रूट है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम आप लोग जानते होंगे, अगर नंबर ऑफ कार्बन और यहां वर्ड रूट लिखें तो नंबर ऑफ कार्बन अगर C1 है तो वर्ड रूट मीथ, C2 इथ, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। ये काफी है। तो अगर हम नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखना चाहते हैं तो वर्ड रूट, सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स, ये चार चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये रिप्रेजेंट करता है बहुत कम जगह पे, जैसे कंपाउंड साइक्लो हो या बाईसाइक्लो हो तो वर्ड रूट हम लोग क्लियर कर लिए। प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे साइक्लो बाईसाइक्लो में। प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं कार्बन के बीच बॉन्ड बताने में, बॉन्ड बिटवीन कार्बन। प्राइमरी सफिक्स बताता है कि कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है। अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये प्राइमरी सफिक्स जो है N यूज करते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है सम फंक्शनल ग्रुप। क्या दिख रहा? नहीं, मिटा दे इसको। सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कुछ फंक्शनल ग्रुप को, रिप्रेजेंट्स सम फंक्शनल ग्रुप जैसे कि क्लोरो,
Cl, ब्रोमो, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है आइडो, नाइट्रो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। स्टूडेंट्स अगर हम ये पांच चीज को समझ लिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स, कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं क्लोरो ब्रोमो आयरो नाइट्रो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये फंक्शनल ग्रुप अगर लगा रहेगा तो उसे सेकेंडरी प्रीफिक्स में बताएंगे, क्लोरो सी एल अगर कहीं रहा तो क्लोरो नाम बताएंगे, बी आर को ब्रोमो, आई को आयरो, एन ओ टू को नाइट्रो, सी एच थ्री को मिथाइल, CH3CH2 को इथाइल, CH3CH2CH2 को प्रोपाइल और नॉर्मल प्रोपाइल। और अगर अगर CH3CH इस तरह सेकेंड कार्बन से जुड़ा रहे तो उसे आइसोप्रोपाइल कहेंगे, आइसोप्रोपाइल कहेंगे। तो हम सीख गए सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। नेक्स्ट जो बचा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर फंक्शनल ग्रुप रखता है तो सेकेंडरी सफिक्स। बेटा मुश्किल होता मिटने में, बच्चों यहाँ तक याद रखना है, इसके बाद हम लोग नियम सीखेंगे। तो सेकेंडरी सफिक्स दो चार कर लें, सेकेंडरी सफिक्स, ये भी कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहे हैं, जनरल फार्मूला, पहले फंक्शनल ग्रुप फिर जनरल फार्मूला, फिर सेकेंडरी सफिक्स, फिर आईपेक नेम, सबसे इंपॉर्टेंट आईपेक नेम। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हम जानते हैं अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स, एसिड क्लोराइड, एमाइंस, बस काफ़ी है। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, एल्डिहाइड का CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOOH, इस्टर का C डबल बॉन्ड O और CO, एसिड क्लोराइड COCl, एमाइंस NH2। जनरल फार्मूला में केवल एल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं ROH, यहाँ R रिप्रेजेंट करता है किसी एल्काइल ग्रुप को, एल्काइल ग्रुप बनता है किसी अल्केन से, अगर एक एच निकाल दें तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है।
RCHO एल्डिहाइड, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOR डैश, दिस मे बी सेम और डिफरेंट, तो ईस्टर, RCOOCl एसिड क्लोराइड, RNH2 amines. ROH, OH का सेकेंडरी सफिक्स ऑल है, CHO का अल है और बड़ा लिखे, इसका ऑइक एसिड, इसका OH ऑयल क्लोराइड, एमाइन. आईपेक नेम जब लिखेंगे तो एल्केन ऑल, अल्केन ऑल, अल्केन अल, अल्केन ओइक एसिड, एल्काइल अल्केनोइट, एल्काइल क्लोराइड, अल्केन एमाइन, अल्केन एमाइन. बच्चा कुछ पूछ रहा है क्या? देख लीजिए. कुछ कुछ नहीं है ना, तुम देखते रहना, अगर कुछ पूछेगा तो. लिख लिया होगा? बाद में भी लिखेगा, बाद में भी लिखे, वो रहता है उसके पास. ठीक बच्चों, इतना जानने के बाद हम लोग को सीखना है कि इसका यूज़ कैसे करते हैं. मेन है इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, इतना किताब में भी मिलेगा, है ना, इसको याद रखना है. अब यूज़ सीखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखें. जैसे कि मान लो कि CH3CH OH CH2 CH डबल बॉन्ड या CH3 CH2 CH2 CH3, मान लो कि इसका नाम लिखना है. तो नाम लिखने का पहला रूल्स है, रूल्स ऑफ नॉमनक्लेचर. बहुत ही आसान सा नियम है. पहला, सेलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. तो ये लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है कार्बन कार्बन लिंकेज. क्या हुआ? बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा लिखना ना. ठीक, रूल नंबर वन, सेलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. इस लॉन्गेस्ट चेन में क्या समझना है हमको, तो कार्बन टू कार्बन लिंकेज, कार्बन टू कार्बन लिंकेज. ये लिंकेज फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि सबसे अधिक कार्बन टू कार्बन लिंकेज कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. तो जो एग्जांपल लिखे हैं, अगर हम लिंकेज देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लिंकेज कार्बन टू कार्बन लिंक्ड है, तो ये 7 काउंटिंग सही है. अगर हम 1 2 3 4 5 करते तो ये गलत हो जाता, ये नंबरिंग गलत है, क्योंकि इसमें कार्बन से कार्बन 5 कार्बन जुड़ा हुआ है. लेकिन अगर हम इसको नीचे आए तो 5 6 7, ये सिलेक्शन सही है. पहला नियम, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ये बच्चों क्लियर है सबको. नेक्स्ट स्टेप, अब दूसरा नंबरिंग.
नंबरिंग, सिलेक्शन तो कर लिए, अब नंबरिंग किधर से करेंगे? तो रूल कहता है नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम वेयर साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप कम्स नियरर, साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप कम्स नियरर। बच्चों यहां साइड चेन क्या है? तो जो सिलेक्शन कर चुके हैं, बाकी कोई कार्बन अगर कहीं दिख रहा है जिसका काउंटिंग नहीं किए, उसी को साइड चेन कहा जाता है। वो कार्बन जिसका नंबरिंग नहीं हुआ पैरेंट चेन में, उसे साइड चेन कहते हैं। और बच्चों OH यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, ये पहचानना हम लोगों को आना चाहिए। अब नंबरिंग किधर से करना है? तो जिधर से साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आए, तो इसमें भी प्रीफरेंस ऑर्डर है। इसे अगर दोनों रहा तो प्रीफरेंस ऑर्डर, प्रीफरेंस ऑर्डर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देंगे, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर साइड चेन को। ये नियम याद रखना होगा कि अगर साइड चेन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप सब मिल जाए तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है उसमें फंक्शनल ग्रुप है, साइड चेन है, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से किया जाए। तो इधर से किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब नॉमनक्लेचर लिखने में सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना है, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। अगर हम इस पांच चीजों को पहचानते हैं तो नाम लिखना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये पैटर्न मेरे दिमाग में सेट है कि सबसे पहले SP लिखना है, फिर PP, फिर WR, फिर PS, फिर SS। अब इस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, हम लोगों के पास सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स ये है मिथाइल। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? मिथाइल, रफली लिख रहे हैं पहले। प्राइमरी प्रीफिक्स, ना तो कंपाउंड बंद है, ना तो साइक्लो है, ना तो बाईसाइक्लो है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट 7 का हेप्ट होता है, हेप्ट लिख दिए। कार्बन कार्बन के बीच सब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सब सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स N है। और फंक्शनल ग्रुप OH है तो सेकेंडरी सफिक्स ऑल है। रफ में इतना करने के बाद अब हम लोगों को पोजीशन बताकर नाम लिखना है। तो ये जो मिथाइल हम लिखे, ये कितने पोजीशन पर है? 1, 2, 3, 4। तो अब नाम लिख रहे हैं 4-methyl, 4-methyl। इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट 7 का हेप्ट, 7 का वर्ड रूट हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स N साथ में रहेगा, 4-methyl हेप्टेन, सेकेंडरी सफिक्स ऑल, किस पोजीशन पे? 2 पे, तो 4-methyl हेप्टेन 2 ऑल इसका नाम हुआ। क्वेश्चन देखते रहना, इधर कोई पूछ तो कुछ नहीं रहा। अच्छा ठीक, कोई कुछ पूछ नहीं रहा अभी तक। अब दूसरा एग्जाम्पल CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH2, CH, OH,
CH3 और एक मिथाइल लगा लेते हैं यहाँ, तो एक मिनट में तुम लोग कोशिश करो इसको, उसके बाद हम बताएंगे। तो इसमें वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सही है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। और अगर कोई बच्चा 1, 2, 3, 4, 5 कर रहा है तो गलत है, 1, 2, 3, 4 कर रहा है तो गलत है। तो सिलेक्शन तो इसका होना है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब बात आई नंबरिंग का, तो इधर से सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और इधर से सेकेंड पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप है, और नियम के अनुसार नंबरिंग हम करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। तो ये नंबरिंग सही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये गलत हो रहा था, मिटा दे रहे हैं। अब फिर से वही काम, सबसे पहले लिखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स को, जो कि ये फिर से सेकेंडरी प्रीफिक्स है मिथाइल। इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ भी नहीं है, वर्ड रूट 6 का हेक्स है, प्राइमरी सफिक्स कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स जो है इन लगेगा, और सेकेंडरी सफिक्स OH फिर से, तो सेकेंडरी सफिक्स ऑल लगेगा, SS जो है ऑल है। तो बच्चों नाम इसका क्या होगा, प्रीफिक्स सबसे पहले 3-methyl, फिर वर्ड रूट 6 को हेक्स कहेंगे, डबल बॉन्ड तो है किस पोजीशन पे, तो जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो गया वही पोजीशन है उसका हेक्स 4-ene, और ऑल कहां पे 2 पे ऑल, 3-methyl हेक्स 4-ene 2 ऑल सही नाम है। पहले बच्चा बना दे रहा उधर। अच्छा अब एक दो सवाल और कर लेते हैं अल्कोहल पे। CH3, CH, CH3, CH2, CH2, OH, CH2, OH। अब दो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसका नाम रूल वही है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ कार्बन काउंट करना है, यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते हो उसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये गलत होगा। लॉन्गेस्ट चेन में केवल कार्बन काउंट होता है। अगर हम यहां से नंबरिंग करें 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 तो और 1, 2, 3, 4 तो टू लॉन्गेस्ट चेन इज प्रेजेंट। अब अगर दो लॉन्गेस्ट चेन है तो हमें कौन से चेन को कंसीडर करना होगा, तो द चेन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ साइड चेन
और फंक्शनल ग्रुप जब सिचुएशन ऐसा आ जाए कि 1 2 3 4 1 2 3 4, तो नंबरिंग हम उसका करेंगे जो मोर नंबर ऑफ साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप रखे। तो अगर हम प्रिफ्रेंस फिर से प्रिफ्रेंस ऑर्डर फिर से फंक्शनल ग्रुप देन साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप देन साइड चेन, सबसे पहले प्रिफ्रेंस फंक्शनल ग्रुप को दिया जाए, तो अब ये चेन सेलेक्ट होगा। ये तो क्लियर हो गया क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है और इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप मिलता, लेकिन इस सेलेक्टेड चेन में दो फंक्शनल ग्रुप मिला। अब बात आई नंबरिंग की, तो नंबरिंग अगर हम यहां से करें तो 1 2 3 4 मींस फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया, ये भी 1 4 पे, और यहाँ से करें 1 2 3 4 तो ये भी पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप का 1 4। अब लेकिन सही वो है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अगर सेम पोजीशन पर आ गया तो साइड चेन कम्स नियरर, साइड चेन कम्स नियरर, साइड चेन यहां से नजदीक आ जाए। तो अगर हम नंबरिंग यहां से करें 1 2 3 थ्री पोजीशन पर अगर यहां से करें तो दो पोजीशन पर, तो ये नंबरिंग मेरा सही है। कोई नाम नहीं लिखा अभी तक बच्चा, ठीक है, तो नंबरिंग इसका यहां से सही हुआ 1 2 3 4। फिर से नाम लिखना है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स जो दो पे दो मिथाइल है, दो पे दो मिथाइल है, तो 2 मिथाइल और 2 मिथाइल एक बार लिखना अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। तो करना क्या है, पोजीशन रिपीट, पोजीशन बताकर जैसे 2 2 2 के लिए डाई टर्म यूज करेंगे, 2 2 डाई मिथाइल कैपिटल यूज करेंगे, 2 2 डाई मिथाइल 1 2 3 4 वर्ड रूट 4 का ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स सब सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन और ऑल कहां पे 1 4 ब्यूटेन 1 4 डायल, ब्यूटेन 1 4 डायल। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड देखेंगे। तो एल्डिहाइड सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप देखकर पहचानना आना चाहिए। एल्डिहाइड के लिए CHO रहेगा और आईपेक नेम, ये दो बात दिमाग में रहना चाहिए कि एल्केन अल करके लिखना है, एल्केन अल, एल्डिहाइड जैसे दिखेगा लिखना एल्केन अल है। तो एल्डिहाइड में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, जैसे ये दो और एल्डिहाइड जो है फंक्शनल ग्रुप है और सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हमेशा पोजीशन 1 पे आता है, पोजीशन 1 पर आता है।
जैसे एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल से हम क्लियर कर पाएंगे, CH3CHO CH2CH3 CH2CH3। बच्चों यहाँ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का क्या अर्थ है? नियम हम लास्ट सवाल कर रहे हैं पहले इसको। पहला काम जैसे सीखे तुम लोग सेलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन ये गलत है। तो इसका गलत होने का रीजन ये है कि ये तुम्हारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का अर्थ है कि नंबरिंग हमेशा उस फंक्शनल ग्रुप से करेंगे, 1 2 3 4, ये सही हुआ। तो अब ये पैरेंट चेन हो गया, ये दो कार्बन छूट गया, दो कार्बन को इथाइल कहते हैं, दो कार्बन को इथाइल कहते हैं। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, इथाइल कितने पोजीशन पर है, दो पे, तो 2-ethyl दिखेगा क्या यहाँ, 2-ethyl वर्ड रूट 1 2 3 4 ब्यूटेन, और एल्डिहाइड है तो 2-ethyl ब्यूटेनल, नाम हुआ 2-ethyl ब्यूटेनल। अब आप लोग ये कोशिश करोगे, बता दे रहे हैं हम, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से होगा, यहां से करेंगे तो गलत। तो 1 2 3 कोई चीज यहां छूटा नहीं, तो इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, डायरेक्ट वर्ड रूट से स्टार्ट हुआ, और वर्ड रूट 3 का प्रोपेन और एल्डिहाइड है तो अल, प्रोपेनल, प्रोपेनल। इसी तरह यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, कोई प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट ब्यूट, डबल बॉन्ड है कहाँ पे, 2 पे, 2-enol ब्यूट, 2-enol। इसका यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5, दो दो प्रीफिक्स है यहां पर, दो दो प्रीफिक्स है, किस किस पोजीशन पे, पहला भी मिथाइल और चौथा भी मिथाइल, तो 2-4 डाई मिथाइल, प्रीफिक्स का काम खत्म हुआ। इसके बाद वर्ड रूट 5 का पेंट, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स इन 3 पर 3-en, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स अल, अल में 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये टर्मिनल है तो और 1 अल लिख सकते हैं, लेकिन 1 टर्मिनल वाले में ये सही रहता है, ये गलत हो जाएगा। तो बच्चों नाम लिखना बहुत ही आसान है, अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स पता रहे और ये दो चार नियम पता रहे तो नाम बहुत आसानी से लिख लेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है, नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप COOH, और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसमें आईपेक नेम लिखने का तरीका क्या है, अल्केनोइक एसिड, ये मेरे दिमाग में रहना चाहिए, अल्केनोइक एसिड। तो इसमें भी सवाल बहुत ही आसान आसान आता है, जैसे एक कार्बन का एसिड क्या है,
फॉर्मूला पूछता है, नॉमनक्लेचर पूछता है, दो कार्बन का एसिड, तीन कार्बन का एसिड, तो एक कार्बन के एसिड में इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, इस तरह रहे चाहे ये रहे, इसमें बॉन्ड को दिखा दिया गया, इसमें बॉन्ड नहीं दिखाया गया है, एक कार्बन है इसमें, एक कार्बन नाम, अगर एक कार्बन ही है और ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट है, एक कार्बन को मीथेन, एक कार्बन मीथेन, प्राइमरी सफिक्स कार्बन तो है ही नहीं, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन का तो एन प्राइमरी सफिक्स लिखे, और सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो नाम हो गया मीथेन ओइक एसिड, और कॉमन नेम इसका है फॉर्मिक एसिड, कभी कभी कॉमन नेम के हेल्प से भी सवाल करता है, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम, कुछ कॉमन नेम्स याद रखने हैं जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है फॉर्मिक एसिड। ये सिमिलरली इधर CH3 आ चुका है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन दो हुआ, वर्ड रूट इथ लगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स एन लगा, और COOH के लिए ओइक एसिड लगा, तो इथेन ओइक एसिड, बहुत ही आसान है। और ये सिमिलरली हो जाएगा प्रोपेन ओइक एसिड, इसका कॉमन नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेशन का अर्थ होता है कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो ये अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। यहां भी COOH एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग हमेशा इस फंक्शनल ग्रुप से होगा, 1, 2, 3, 4। अब हम जानते हैं कि ये COOH एक फंक्शनल ग्रुप है, तो कोई भी सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है, वर्ड रूट चार कार्बन, वर्ड रूट ब्यूट, ब्यूट चार कार्बन ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड तो इन कहते हैं, किस पोजीशन पे, टू पे, तो ब्यूट टू इन, और वन पे ओइक एसिड, तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, वन पोजीशन नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, तो नाम हुआ ब्यूट टू इन ओइक एसिड। इसको तुम लोग कोशिश करो बनाने का। किस क्वेश्चन में बोला फोर कार्बन कहाँ है सर, देखो ये नहीं, ये वही बोल रहा था, नहीं नहीं यहाँ था, तो यहाँ फिर ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप 1, 2, 3, 4, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो छूट गया, तीन पर मिथाइल,
दो पर ब्रोमो, तो ये M से स्टार्ट है और ये B से स्टार्ट है, तो अल्फाबेट रूल लगाते हैं, इफ मोर देन वन सेकेंडरी प्रीफिक्स इज प्रेजेंट देन अल्फाबेटिकल रूल इज फॉलोड, अल्फाबेटिकल रूल अप्लाई करेंगे, वन टू थ्री फोर, टू पे ब्रोमो थ्री पे मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली नाम लिखते हैं, टू ब्रोमो थ्री मिथाइल, प्रीफिक्स खत्म हुआ, वर्ड रूट एक दो तीन चार, ब्यूटेन, ब्यूटेन क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन ओइक एसिड, टू ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन ओइक एसिड। अब हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन फंक्शनल ग्रुप, एक कीटोन भी पढ़ लेते हैं, कीटोन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, सेकेंडरी सफिक्स इज ऑन, आईपेक नेम एल्केन ऑन, एल्केन ऑन। तो कीटोन, टू राइट कीटोन एट लीस्ट थ्री कार्बन इज रिक्वायर्ड, कीटोन लिखने के लिए कम से कम तीन कार्बन का होना जरूरी है। ये सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड अगर कार्बन रहा तभी इस फंक्शनल ग्रुप को कीटोन कहा जाएगा। अगर हम एक साइड कार्बन और एक साइड हाइड्रोजन दे दें तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा जो कि एल्डिहाइड कहलाएगा। तो कीटोन पहचानने के लिए दोनों साइड कार्बन होना जरूरी है तभी कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। और कम से कम तीन कार्बन का कीटोन लिखना पड़ेगा, कम से कम, उससे कम में कीटोन हम नहीं लिख पाएंगे। तो नाम होगा इसका तीन कार्बन, नंबरिंग हमेशा टर्मिनल से करते हैं, तो वन टू थ्री, वर्ड रूट प्रोपेन, और कीटोन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ऑन लग जाएगा, नाम इसका प्रोपेन ऑन। समझ में बोल रहा नहीं आ रहा है। और अल्कोहल पहचानना है तो सर, वेरी गुड, तो अल्कोहल में केवल COH इधर कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, और अगर C डबल बॉन्ड OH रहा तो ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल पे सिर्फ OH देखना है, C नहीं देखना, C नहीं देखेंगे। ये एल्डिहाइड, दोनों साइड कार्बन तो कीटोन, और सी डबल ओ ओ एच, ये बच्चा गलती क्या करता है, इसे अल्कोहल और इसको कीटोन, नहीं, ये साथ है और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ज्यादा स्पीड पढ़ा दे रहे हैं क्या, बच्चा है तो बच्चा होता है।
हाँ कीटोन, हम बता रहे थे कि कीटोन को लिखने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। अब कीटोन का भी नॉमनक्लेचर बहुत ही आसान है, 3 कार्बन का प्रोपेनॉन, और अगर हम लिखे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री, फिर से वही नियम सेलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, इधर से करे नंबरिंग या इधर से, ये डिपेंड करेगा कि फंक्शनल ग्रुप किधर से नज़दीक है। तो ये हम पहचान लिए कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6। फिर से वही नियम सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ नहीं है क्योंकि कुछ छूटा नहीं। उसके बाद वर्ड रूट 6 के लिए हेक्स, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स इन किस पोजीशन पे, 3 पर हेक्स 3 इन, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स ऑन किस पोजीशन पर, 2 पर, तो हेक्स 3 इन 2 ऑन इसका नाम हुआ। एल्डिहाइड, अच्छा बहुत स्पीड है कोई बोल रहा, देखो जरा क्या क्या बोल रहा सर, एल्डिहाइड रिपीट कर दीजिए। ठीक, लगा कि बोलो कि उस लिख के कुछ नहीं भेज सकता, तुम बोलो कि जिसमें डाउट है वो फिर से कर देंगे। पहला क्लास है, नया टीचर से तो थोड़ा तो अकबकी होगा ना, पैटर्न समझना बहुत मुश्किल है, उसको मैसेज करना होता है या फोन कर दो उसको। एल्डिहाइड, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO, इसका सेकेंडरी सफिक्स अल है, और आईपेक नेम अल्केन अल है। तो हम लोग एल्डिहाइड CHO को देख के पढ़ेंगे, पहचानेंगे, और ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वैसा फंक्शनल ग्रुप होता है जहाँ कि इसके बाद नॉट कार्बन इज अटैच्ड, कार्बन कैनॉट बी अटैच्ड, उसके आगे हम कार्बन नहीं लगा पाए, उस तरह के फंक्शनल ग्रुप को टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो एक कार्बन के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम लोग ये। अब अगर हम अभी बताए हैं तुम लोगों को कि सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों साइड कार्बन तो कीटोन, एक साइड कार्बन और एक साइड हाइड्रोजन तो ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए CHO, हो सकता है कि तुम इसे कहो कि सर हम इधर चूज करते एल्डिहाइड तो ये भी चलेगा, दोनों सिमिलर पार्ट है। तो अब नाम लिखने के लिए एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, कोई चीज कहीं छूटा नहीं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है नहीं, वर्ड रूट पहला तो मीथेन, वर्ड रूट मीथेन, तो नाम कैसे लिखना है, अल्केन अल, तो मीथेन अल्केन हो चुका है CHO के लिए अल, तो नाम हो गया मीथेनल, ये भी होगा मीथेनल। अगर इसे हम लोग CH3 कर दें तो अब एल्डिहाइड ग्रुप, इधर वाला ग्रुप एल्डिहाइड का हुआ, तो अब फिर से नाम करना है, तो लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन 1 2, तो कहीं कोई प्रीफिक्स नहीं छूटा, तो 2 के लिए इथेन और CHO के लिए अल,
तो नाम हो गया इथेनल, इथेनल। तो सिंपल फिर से इसमें करते हैं हम लोग, अगर हमारे पास तीन कार्बन रहता और उसके साथ कोई प्रीफिक्स भी रहता, बच्चों ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मींस वन नंबर इसी को देंगे, वन टू थ्री प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो पेरेंट चेन में नहीं आया, जो कि ये BR है जिसे कि ब्रोमो कहते हैं, ये याद रखना होगा। तो ब्रोमो कहाँ पर, टू पे, और ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, पहले बताना है। तो टू ब्रोमो, इसके बाद वर्ड रूट तीन के लिए प्रॉप, तीन के लिए प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन, और CHO तो अल, टू ब्रोमो प्रोपेनल। टू ब्रोमो प्रोपेनल, एक दो कोशिश करो तुम लोग। जैसे अनसेचुरेशन लगा दें, तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग यहां से कोशिश करो अपने से, तुम लोग नंबरिंग हम कर दे रहे हैं। N3 in L, वेरी गुड। एक दो तीन चार पांच, वर्ड रूट पेंट, तीन पर इन, और अल का पोजीशन वन नहीं बोलेंगे, पेंट थ्री इन अल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, पेंटेन 1,5 डाइल, वेरी गुड। पेंटेन 1,5 डायल, लास्ट वन विल बी 1,2,3,4, यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है, तीन प्रीफिक्स है, और सेम प्रीफिक्स के लिए पोजीशन रिपीट करेंगे, 2,2,4 ट्राई मिथाइल, सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म हुआ। फिर वर्ड रूट 1,2,3,4,5 पेंटेन, पेंटेनल,
2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेनॉल इसका नाम होगा। अब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल चार फंक्शनल ग्रुप हुआ, यही इम्पॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड पांच। अब कुछ हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड का नॉमनक्लेचर देखेंगे। बॉन्ड भी है, क्या बोल रहा बच्चा? हो गया, कल नेक्स्ट दिन कभी करें, ठीक। आज इतना ही क्लास हुआ, नेक्स्ट क्लास फिर।